सवाल दिखाई दे रहा है सभी को, क्या आप लोग देख सकते हैं? एक बार समझाइए जरा क्या कह रहे हैं। सर एक ईपी के फोर्थ और एट टर्म का सम 24 है और सिक्स और टेंथ टर्म का सम 44 है, तो ईपी फाइंड करने के लिए बोले। अच्छा, सिक्स और टेंथ, सॉरी फोर्थ और एट्थ बोला था और सिक्स और टेंथ का सम 44 है, तो एपी पता लगाने के लिए बोला है। तो एपी पता लगाने के लिए हमें देखिए कौन सी दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता लग जाए ए और डी पता लग जाए तो हम पूरी की पूरी एपी बना सकते हैं, है ना। पहले टर्म पता लग जाए और सिर्फ डी पता लग जाए तो हम पूरी की पूरी एपी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें भी देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो कोई इसको देख के बता सकता है क्या कि डी क्या आएगा यहाँ पे? सवाल को देख के, इन दोनों इक्वेशंस को अगर देखो आप तो बता सकते हो कि डी क्या आएगा? सेम एपी की बात हो रही है तो इस इक्वेशन को देख के कोई डी निकाल सकता है फटाफट? मैं बस आपका एप्टीट्यूड चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या आप डी निकाल सकते हो किसी अनकन्वेंशनल वे से। सौरभ, समृद्धि भुजबल, श्रेया, मनप्रीत, क्या फॉर्मूला लगा के देखिए निकाल सकते हैं हम? मैं बस आपसे पूछ रहा हूं कि आप वैसे डी का पता लगा सकते हो इसमें, जल्दी से बताओ। देखिए सर, बोलो बोलो। देखो ये जो इक्वेशन है ए सिक्स प्लस ए टेन प्लस इक्वल टू 44 है, राइट। अगर मैं इसमें से एक डी घटा दूं, इसमें से एक डी घटा दूं और इसमें से टू डी घटा दूं, तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, डी इसको ऐसे लिख दिया ए प्लस ए टेन, यहाँ से मैंने डी माइनस किया, यहाँ से डी माइनस किया और 44 में से टू डी माइनस कर दिया, ठीक है। इक्वेशन पूरी बैलेंस है। तो ये जो वैल्यू आई है बच्चों, जो ये ए सिक्स माइनस डी लिखा है मैंने, ये किसके बराबर होती है? ए सिक्स में से मैंने डी को माइनस कर दिया, कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दिया, तो क्या आएगा ये, कौन सी वैल्यू आ जाती है? ए फाइव आ जाएगा, इसको मैं ए फाइव कहूँगा ना, ए फाइव इसको कहूँगा। ये ए नाइन आया है हमारे पास, ये ए नाइन आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है कि ये ए फाइव और ए नाइन नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें से एक और डी माइनस कर देता हूँ, ठीक है। दोनों में से एक एक डी माइनस कर दिया और फिर से टू डी माइनस कर देता हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है ए फोर, ए फोर के, और ये वाला हिस्सा किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी एट, ए एट के, ठीक है। यानी ए फोर प्लस ए एट जो है वो 44 माइनस 4D हो जाएगा, राइट राइट। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है तो जेन्युइनली बोल दो भाई नहीं समझ में आया। तो इस स्टेप में किसी को समझ में नहीं आया, देखो ए सिक्स दिया हुआ था, मैंने उसमें से एक डी को माइनस कर दिया तो वो ए फाइव आ जाएगा ना। ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ, ठीक है। तो उसमें से फिर मैंने दो डी माइनस कर दिया तो ए फोर आ जाएगा, बस वही चीज़ है, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल गया, 44 माइनस 4D, और यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू दी हुई है उसकी, 24, यानी 44 माइनस 4D जो है वो 24 के बराबर है। तो फटाफट इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये डी की वैल्यू क्या आएगी, डी इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये 44 माइनस 4D, ठीक है, याद आएगा 20 इक्वल्स टू 4D, यानी 5 इक्वल्स टू डी, यानी डी की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है, डी की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये स्टेप देखो बेसिकली क्या होता है, जो इतना सब कुछ हमने किया है
ठीक है, क्लास 12th में जाते जाते आप ये सब अपने दिमाग में कर लोगे, ये जो पूरा प्रोसेस है ये अपने दिमाग में कर लोगे आप, तो डी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। तो इतनी प्रैक्टिस करिए कि सारी चीज़ें दिमाग में हो जाए, ठीक है। क्लास 10th में हम इसको प्रॉपरली करेंगे जैसे सभ्य समाज के लोग करते हैं। तो a4 + a8 = 24 आप लिखोगे। a4 क्या होगा देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a+3 a2, तो ये हो जाएगा a+3d a+4d = 24, ये हो जाएगा 2a+7d = 24। ये पहली क्वेश्चन आ गई आपके पास सर, तो ये 7 + 10d हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉमन मल्टीपल हैं सारे के सारे 2 के, तो मैं 2 को कॉमन आउट ले सकता हूँ, तो ये a+5d हो सकता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 12, राइट। तो दोनों तरफ से मैंने 2 हटा दिया, तो ये हो जाएगा a+5d = 12। पहली लीनियर इक्वेशन आ गई है ना, इसमें किसी को कोई डाउट ये पहली लीनियर इक्वेशन कैसे आई? किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। कितने बच्चे बच्चे हैं ऐसे ही, देखिए सेकंड वाले को अब लिख लेंगे, ये a+5d हो जाएगा, ये a+9d हो जाएगा = 44। तो ये देखिए हो जाएगा 2a+ क्या जाएगा, 2a+ क्या होगा 14d, ठीक है, = 44। तो यहाँ पे भी देखिए 2 कॉमन आउट ले लेंगे, ये a+ क्या जाएगा, ये 7d आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से 2 कैंसल आउट, ये आ जाएगा a+7d = 22। तो ये देखिए आपके पास दो, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस आ गई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई। तो ये a+7d = 22 है, ये a+5d = 12 है। तो कैसे सॉल्व करना चाहोगे इसको बताओ, कैसे सॉल्व करना पसंद करेंगे? एलिमिनेशन से, तो भाई जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं सारी सबका साइन चेंज। अरे अब आवाज़ नहीं अटक रही, कुछ आवाज़ अटक रही है किसी को आवाज़? अब आवाज़ नहीं अटक सकती भाई, ठीक है, दुनिया नष्ट हो सकती है अभी, तभी होगी आवाज़ अटकेगी, अब नहीं होगी वैसे, ठीक है। तो ये ए से ए कैंसल, 7 - 5d कितना होता है? 2d। और 12 × 22 - 12 10। तो d की वैल्यू क्या मिली हमें? 5। ठीक है, d की वैल्यू आपको 5 मिली, ठीक है, d की वैल्यू पता लग गई। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन में पुट करो, चाहे तो इसमें पुट करके निकाल लो a, चाहे इसमें पुट करके निकाल लो। तो a+5d दिया हुआ है हमें 12, ठीक है, a+5d 12 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 5 × 5 = 12। सॉरी कुछ तो गड़बड़ है, a की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, a की वैल्यू -13 आ रही है क्या? यस सर। माइनस, तो ए पी आप क्योंकि देखिए -13 - 13 में +8 + 5 करेंगे, तो ये आ जाएगा -8 - 3 = 7 and so on, ये आपकी ए पी हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म में मैंने क्या किया, +5 किया तो -8 आया, -8 में +5 किया तो -3 आया, -3 में +5 किया तो 2 आया, ये इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एपी आ गई, यही बोला था उसने, एपी निकाल के दिखाओ। सुब्बा राव, ठीक है, सुब्बा राव के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है जरा समझाओ कोई। सुब्बा राव के बारे में क्या बात हो रही है बताइए, समझाइए। सर इन 1995 में सुब्बा राव की पर एनुअल सैलरी ₹5,000 थी, और सर वो हर साल 200 बढ़ रही थी, तो हमें बताना है उसकी सैलरी कब 7,000 पहुंची थी। हुँ.
ठीक है, तो 1995 में उसकी सैलरी कितने रुपए थी? 5,000 रुपए। 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 5,200। 200 रुपए बढ़ रही है, ठीक है, 200 रुपए बढ़ रही है। 1997 में कितने रुपए हो जाएगी? 5,400 ऐसे बढ़ती चली जा रही है, ऐसे बढ़ते 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 ये 7,000 पहुंच जाएगी। अब यही पूछ रहा है कि कौन से साल में पहुंचेगी, यहाँ पे हमें साल नहीं पता, ठीक है, ईयर जो है हमें नहीं पता, ईयर को हम मान लेते हैं वाई, ठीक है, ईयर को वाई मान लेते हैं। तो बेसिकली देखिए ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये एंथ टर्म है। एपी कौन सी हमारी, ऊपर वाली है कि नीचे वाली है? कौन सी एपी की बात हो रही है? ठीक है, अब नीचे वाली, देखिए ऊपर वाली भी एपी है बट इसका कोई फायदा नहीं है, तो हमें जो नीचे वाली एपी है इसका यूज करेंगे। ठीक है, दो एपी मिल रही है तो सेकंड वाले का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म है 5,000, हमें कॉमन डिफरेंस पता है, क्या है कॉमन डिफरेंस? 200। और हमें nth टर्म पता है, nth टर्म जो है वो क्या आएगी? 7,000। तो मेरे को फटाफट बताइए कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी। मैं फटाफट ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसमें वैल्यू पुट करूँगा। 7,000 हो गया, ये 5,000 हो गया, ये n माइनस वन है, d है हमारा 200। तो 7,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा? ये इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, ये 2,000 आ जाएगा, 2,000। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? 200 से डिवाइड करके दोनों साइड्स को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड्स को 200 से डिवाइड कर देंगे, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा 200, और यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 220 को डिवाइड करेगा तो 10 आएगा, तो ये आ जाएगा 10 इक्वल्स टू n माइनस 1। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11, यानी 11 होगा, ये हमारी 11th टर्म है, सॉरी ये गायब हो गया, ये है 11th टर्म हमारी। अब हमें ईयर बताना है, ठीक है, ईयर 95, 96, 97, तो ईयर बताना है। तो अब हम ये सेकंड वाली एपी लेते हैं, सेकंड वाली एपी देखो, अब इस एपी को भूल जाओ, हमें साल बताना है कौन सा होगा, ठीक है, साल बताना है कौन सा होगा। अब इस एपी पे आते हैं, तो आपको पता है ए 11 वाली जो टर्म है वो हमें साल बताएगी, यहाँ से देख रहे हो, ए 11 वाली टर्म हमें साल बताएगी। अब इस एपी को ले लो, तो हमें ए 11 पता है, सॉरी ए 11 नहीं पता है, ए 1 हमें पता है 1995 है, एन हमें 11 पता है, और डी क्या होगा यहाँ पे? 1 होगा भाई, हर साल बढ़ रहा है तो ठीक है, 1 हो जाएगा ये। तो 1995, 11 माइनस 1 होता है 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बताओ बताओ कब बढ़ेगी, कितना क्या आएगा, कौन सा ईयर आएगा? 2005, ठीक है, 1995 में 10 ऐड कर देंगे तो 2005, यानी 2005 में जाके उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे इसको करेंगे, आप कॉपी में इसको करिएगा, सबको कॉपी जो है पीडीएफ बना के व्हाट्सएप करनी है मेरे को, समझ में आ गई? 10th ए वाले राव सर को करेंगे, 10th बी वाले मुझे करेंगे। ये रामकली का सल्दी से सवाल बताओ, रामकली का क्या सवाल है, रामकली जल्दी बताओ, रामकली का क्या सवाल है, जल्दी 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 सर, जो 19th वाला है उसका आंसर 2006 है सर। 6 है? यस सर। तो एन हमारा क्या आया? 5,000 ये कैसे हो सकता है? 5,000 रुपए है, ठीक है, 1997 में कितनी हो जाएगी?
5400 98 में कितनी हो जाएगी? 5600 5600 99 में 5800 5800 सन 2000 में कितनी हो जाएगी? 6000 2001 में 6200 2002 में 6400 2003 में कितनी हो जाएगी? 6600 6600 रुपये, ठीक है। 2004 में 6800 2005 में 7000 सवाल में क्या बोल रहा है? स्टार्ट वर्किंग आंसर 5000 बीच अब भाई ये सैलरी का कोई चक्कर है इनका, इनका कुछ होगा, ठीक है, वो सब बोल जाओ। या तो पर बुक देख लो कौन से ईयर की है आपकी, जो बुक छपी हुई है ना, पर ईयर देख लो उसमें कौन सा, क्या पता आंसर में एम्बिग्युइटी हो थोड़ी, ठीक है। 2005 में जाके 7000 हो रही है। 11 सवाल बताओगे क्या है? पहला सवाल समझाइए बच्चों। सर, रामकली ईयर के फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव करती है और उसे 1.75 रुपीज से हर वीक बढ़ाती है। एंथ वीक में उसकी वीकली सेविंग रुपीज 20.75 हो जाती तो हमें एन फाइंड करना है। अच्छा, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ इन अ ईयर? नहीं पता क्या बच्चों, कितने वीक होते हैं एक साल में? अगर साल में 365 दिन हैं तो कितने वीक होते हैं? 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 35, ठीक है, 15 आ जाएगा, 7 2, ठीक है, 14, एक दिन बचता है, ठीक है, 52 वीक्स तो होते ही हैं, है ना, 53rd वीक में वो दो एक तीन दिन आ जाते हैं, तो 52 वीक होते हैं कम से कम, ठीक है। देखिए पहले वीक में, साल के पहले वीक में, इसको मैं लिखता हूँ W1 से लिख देता हूँ, वीक वन को कितने रुपए हैं उसके पास, कितने सेव करे उसने साल के पहले वीक में? 5 रुपये सेव करे उसने, ठीक है। दूसरे हफ्ते में कितने सेव करे उसने? 6.75, ठीक है, 1.75 रुपये जो हैं उसके ऐड होते जा रहे हैं। थर्ड वीक में कितना सेव किया उसने? 8.5, ठीक है, 1.75, ठीक है, ये हो जाएगा 0.518.5 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हमने 8.5 निकाला। वीक फोर में कितना हो जाएगा? 10.25 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बढ़ते 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 ये कितना हो जाएगा, एक टाइम के बाद ये बढ़ते बढ़ते हो जाएगा, सेविंग्स कितनी हो जाएगी इन एंथ वीक, हर वीकली सेविंग्स बिकम 20 रुपीज 75 पैसे, ठीक है। तो ये वीक एन हमें नहीं पता कौन सा है, तो एन ही निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपके पास देखिए दो एपी आई हुई है, ठीक है, इस एपी का कोई खास काम नहीं है तो हम इस वाली एपी का यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रही है, सेकंड टर्म दिखाई दे रही है, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों बताओ? फाइव है। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 1.75 है, और ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है। और आपको लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म को एल से भी लिखते हैं और ए एन से भी डिनोट करते हैं, तो क्या आएगी? आवाज अटक रही है बहुत। आवाज अटक रही है? हाँ 75। बेटा आवाज अटक रही है क्या बाकी लोगों को? नो सर। कोई आवाज नहीं अटक रही है, नो सर। यस सर। ठीक है, जिनको अभी अभी अटक रही है तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो आप ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, ए एन एन माइनस वन डी। ए एन क्या है? 20.75। ए क्या है? 5। एन हमें नहीं पता, डी हमें दिया हुआ है 1.75, ठीक है। तो 20.75 में से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे बताओ? सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय फाइव। वी विल हाँ, 20.75 में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1.75, ठीक है। 20.75 माइनस 5 तो क्या होगा? 15.75 आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये देखिए एन माइनस वन 1.75 है, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे बताओ? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1.75। वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 1.75, 1.75। दीज टू 1.75 विल कैंसल ईच अदर आउट। अच्छा अब इसको कैसे डिवाइड करोगे बताओ? इसको देखो यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हो, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, तो आप डेसिमल हटा सकते हो। तो ये हो जाएगा 1575, ये हो जाएगा 175। तो कैसे डिवाइड करेंगे इसको? कैसे करोगे इसको? 20, देखिए 25 की टेबल याद कर लीजिए, 25 की टेबल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो 25 की टेबल में 175 कितने टाइम्स में आता है? 7। 25 सेवन ज़ा 175 होता है, इसको भी 25 से डिवाइड कर दो। 25 सिक्स ज़ा 150 बचा 75, 25 थ्री ज़ा, ठीक है, तो ये 63 और 7 आ जाएगा आपका। 63 और 7 डिवाइड हो सकते हैं एक दूसरे से, 7 वन ज़ा 7 एंड 7 नाइन ज़ा 63, सो इट विल बिकम। अरे बेटा आपकी आवाज़ भी कट के आ रही है, ठीक है, बाकी बच्चों की आवाज़ एकदम साफ आ रही है, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। बीएसएनएल, ठीक है, बीएसएनएल का फोन है तो भाई बीएसएनएल में दिक्कत आ रही है आज थोड़ी सी, तो बीएसएनएल वाले थोड़ा आपको झेलना पड़ेगा आज, बाकी कनेक्शन सही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए एन की वैल्यू 10 आ जाएगी, यानी 10वें हफ्ते में जाके उसका जो है ये इतनी सेविंग्स हो जाएगी, ठीक है। तो जिनको भी आवाज़ कट कट के आ रही है तो थोड़ा नेटवर्क चेंज करो अपना, ठीक है, तो नहीं आएगी। तो ये देखिए आपके वाले सवाल ख़त्म हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, देखिए ये जो सवाल जितने भी टर्म्स वाले हैं ये आपके 2 नंबर तक के ही आएंगे ज़्यादातर, 2 या 3 नंबर तक के। जो मुश्किल सवाल हैं थोड़े देखिए इसमें आएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स वाले सवाल जो होते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सम ऑफ एन टर्म्स? यस यस सर। ठीक है तो शुरू करते हैं। अब देखिए जो एपी होती थी, तो एपी में देखिए हम सिर्फ टर्म निकालते थे। अब मैं अगर कहता हूँ देखिए ये हमारी एपी है, 1 2 3 4 5 6 अप टू ए चली गई है 60 तक, तो ये एक हमारी एपी है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है जल्दी से बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? कॉमन डिफरेंस क्या है? वन है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे को बताओ इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ठीक है। ये अभी हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी 60 टर्म्स हैं, तो मैं बोलूँ इन 60 टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो इसका हम फॉर्मूला देखेंगे कैसे निकलेगा, ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला पता ही होगा कई बच्चों को, क्या होता है इसका फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का, बता ही दो। SN is equal to n by 2 and bracket S equal 2a to n upon 2 plus 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो ये n by 2, ठीक है, फिर ब्रैकेट में देखिए मल्टीप्लाई होता है, कई लोगों को लास्ट ईयर में फॉर्मूला याद नहीं हुआ एंड टाइम तक, ठीक है, तो आपको ये एंड याद कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला है, देखिए ये n by 2 है, 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए, लिख सकता हूँ 2a को a, ये a a प्लस ए लिख दिया, तो ये वाले जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, जो इतनी सी टर्म है इसको क्या कहते हैं, ये इतनी सी टर्म हमारी ए एन होती है, तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस ए एन। ठीक है, ये देखिए सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हमारा थोड़ा छोटा हो गया। तो देखिए मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इस जब ऐसे फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो सवाल गलत करके आते हैं हमेशा, कोई ना कोई सिली मिस्टेक बीच में करके आ जाते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने की ज़्यादा कोशिश करना, तो आपसे गलती थोड़ी कम हो जाएगी, आप थोड़ा ढंग से करोगे। तो यही सेम फॉर्मूला देखिए ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ए प्लस एल करके, एल क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये सारे एस एन के फॉर्मूले हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलो अच्छी बात है, आ गई सर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, बेसिकली ये वाला कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा करें, तो मैंने देखा है बट ठीक है इस वाले को यूज़ करेंगे मोस्टली इसमें आप लोग गलती थोड़ी कम करोगे, इसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो डेरिवेशन सीखा है आप लोगों ने कि नहीं सीखा है इसका, डिराइव करना आता है कि नहीं आता? नो सर। नो सर। तो देखो भाई, ये देखो क्या होता है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म अप टू, सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा के, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अप टू एन टर्म्स होती हैं ना एपी में, एन टर्म्स होती हैं, तो पहली टर्म होती है ए, दूसरी टर्म होती है ए प्लस डी, तीसरी टर्म क्या होती है ए प्लस टू डी, और एनथ टर्म कैसे लिखते हैं हम, एन एनथ टर्म कैसे लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन डी। ठीक है, इन सब को ठीक है सम ऑफ एन टर्म्स करते हैं हम, यानी इन सब को हमें ऐड करना है, जब आप इन सब को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, एस एन मिलता है, राइट, है ना, यही तो सीख रहे हैं हम, है ना, यही होता है इस स्टेप में। कोई किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब इसी को देखो मैं रिवर्स करके लिख देता हूँ, इसी को, इसी जो सीक्वेंस को मैं, अब देखो चाहे आप 2 प्लस 3 करो, ठीक है, तो क्या आता है 2 प्लस 3 करने में 5 आता है, 3 प्लस 2 करो तब भी क्या आता है 5 भी आएगा ना, कुछ तो अंतर आएगा नहीं इसमें, सेम वैल्यू आएगी, तो मैं यही कर रहा हूँ रिवर्स करके लिख रहा हूँ इसको। अब मैंने इसको लिख दिया ऐसे, ए प्लस एन माइनस वन डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री डी अप टू, सबसे देखिए लास्ट टर्म जो होगी पहली टर्म बन जाएगी ए, ठीक है, तो ये भी देखिए एस एन के बराबर होगा। अब देखो इन, आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ लोगे, ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, दोनों को जोड़ोगे तो ये ट्वाइस ऑफ एस एन हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स को जोड़ोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, 2a प्लस एन माइनस टू डी, एन माइनस वन डी आएगा, एन माइनस टू डी प्लस डी कर दोगे, ठीक है, ये भी ये आएगा, उसके बाद अगली टर्म भी यही आएगी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी आएगी, अगली टर्म भी यही आएगी, ठीक
ठीक है, ऐसी देखिए ये लास्ट टर्म क्या आएगी, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा लास्ट वाले टर्म्स को, इन दोनों a plus n minus 1 plus n minus d, इसको भी आप जोड़ोगे तो यही आएगा 2a n minus 1 d। तो ये देखिए कितने टाइम्स आ रहा है, सेम टर्म आ रही है, देखिए हर बार सेम टर्म आ रही है, कितनी बार आ रही है, n टाइम्स आ रही है, सेम टर्म बार बार आ रही है n टाइम्स। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से देखिए, कि 2 plus 2 plus 2, इसको मैं 3 multiply by 2 लिख सकता हूँ, है ना, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 5 into 2 y multiply by 2। तो ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ n multiply by 2a n minus 1d equals to twice of sn। ठीक है, अब दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या आ गया, देखिए आपका फॉर्मूला आ जाएगा ये n by 2 2a n minus 1d। ठीक है, ऐसे आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ये बुक में आपकी दिया हुआ है, ठीक है, कोई ये जादू नहीं है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, अगर मन लगे तो कर लेना इसको भी। तो ये देखिए फॉर्मूला होता है, तीनों फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हैं, सेम चीज़ लिखी हुई है, तो आपको बता चुका हूँ इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए कोई भी nth टर्म है इसमें, देखिए अगर आपको दो सम दिए हुए हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, आपको sn दे रखा है और आपको sn माइनस 1 पता है, तो आप अगर इन दोनों को माइनस करते हो तो आपको an पता लग जाता है, ठीक है, an आप पता लगा सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, ये देखिए ओलंपियाड होगा तो उसमें ये सवाल आ सकता है, n पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स पहली बात तो होते क्या है ये बताओ, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जल्दी से बताओ, व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, 1 2 3 4, श्योर, नेचुरल नंबर्स, जीरो नहीं आएगा, होल नंबर, जीरो नंबर नहीं होता। अच्छा पहले ये बताओ, जीरो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पहले तो ये बताओ, तो पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है, जब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो जीरो नहीं आएगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, अप टू n, ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने आपके सामने लिख दिए, n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पेपर में कई बार इसी का सवाल आता है कि सम करके बताओ क्या होगा, अब इन सबको जोड़ने बैठोगे, अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1000 दे दूँ तो इन सबको अगर जोड़ने बैठोगे तो बूढ़े हो जाओगे, तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगा सकते हो। ये देखो एक ए पी तो बन रही है, देखो यहाँ पे ए है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 1 1, nth टर्म क्या है यहाँ पे, nth टर्म n ही है, देखिए यहाँ पे nth टर्म जो है वो n ही है, तो बस आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा, ये आपको पता है फॉर्मूला, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ फटाफट के लिए, ठीक है, जल्दी जल्दी करने के लिए, तो n बाई 2 हो जाएगा, पहली टर्म है 1 और nth टर्म क्या है n है, ये देखिए आपका फॉर्मूला आ गया n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 अपॉन 2। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ पहली हज़ार पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करो, तो आप सीधे इसमें देखिए पुट कर दोगे, एस हज़ार क्या आएगा, देखिए ये 1000 हो जाएगा और ये 1000 प्लस 1, तो ये देखिए आ जाएगा 1000 प्लस 1, ये 500 हो जाएगा और ये 1001 हो जाएगा, सॉरी 5000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 500 500 500, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।
यही देखिए एक्सरसाइज है, इसमें बस आपको वैल्यू पुट करनी है, इन सब सवालों में कुछ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टर्म बताओ क्या आएगी यहाँ पे? टू। ये ए वन दिया हुआ है आपको, चलिए स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। ठीक है भाई, यस सर। अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं। तो ये देखिए एपी है, एपी में पहली टर्म है डी, सॉरी ए टू है, और डी क्या है हमारा, देखिए मैं लिख देता हूँ, और ये टेन टर्म्स का हमें सम बताना है। तो यहाँ पे डी हमें क्या दिया हुआ है, क्या डी होगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस? फाइव। सेवन माइनस टू फाइव हो जाएगा। और एन क्या दे रखा है हमें? टेन दे रखा है। तो देखिए फटाफट आप टेंथ टर्म निकाल दीजिए, इसकी टेंथ टर्म क्या आ जाएगी? टेंथ ए प्लस नाइन क्या आ जाएगी? एट प्लस नाइन डी क्या है हमारा? फाइव। तो क्या आएगा ए टेन क्या आ जाएगा? फोर्टी सेवन। फोर्टी सेवन, फोर्टी सेवन आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर लो। तो एस टेन निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा एन बाई, ठीक है पहले तो मैं एस एन लिख देता हूँ आपके आगे। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, ए प्लस ए एन वाला। ठीक है, तो एस टेन निकाल रहे हैं, तो एस टेन ये है टेन बाई टू, ए क्या है हमारा टू, ए एन हमने हमने क्या निकाला, ए एन फोर्टी सेवन। बताओ कैसे होगा, अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या करना पड़ेगा हमें? टू से डिवाइड कर देंगे, फाइव आ जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, फोर्टी नाइन हो जाएगा। तो फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई बाई फाइव कितना होता है? टू फोर्टी फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करना, आप गलती थोड़ी कम करोगे, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या दी हुई आपको, माइनस थर्टी सेवन, और ये देखिए ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है। ठीक है, तो डी क्या आएगा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? फोर। फोर है, प्लस का कि माइनस का? प्लस। प्लस का। ठीक है, तो ये देखिए माइनस करेंगे हम यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस थर्टी सेवन हो गया, और थर्टी सेवन माइनस थर्टी थ्री प्लस फोर आएगा, ये याद रखिएगा।
प्लस फोर आ गया और एन हमें दे रखा है कितना, ट्वेल्व बोल रखा है इसने, राइट, ट्वेल्व। तो फटाफट ए ट्वेल्व बताओ क्या आएगा, ये ए प्लस इलेवन डी हो जाएगा। ए है हमारा माइनस थर्टी सेवन, इलेवन, और डी क्या है हमारा, प्लस फोर है। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा, ए ट्वेल्व, ए ट्वेल्व क्या जाएगा, ये ए ट्वेल्व क्या आएगा हमारा, ए ट्वेल्व क्या आएगा, सेवनटीन, वेरी गुड, सेवन आएगा, सेवेंटी फोर आएगा, अरे वेरी जीनियस, आप फ्यूचर में चले गए, ठीक है। तो S12 निकालना है हमें, S12 बोला तो ये देखिए 12 बाई 2 हो जाएगा, और पहली टर्म है हमारी माइनस 37, ठीक है, यली टर्म है हमारी प्लस 7, ये देखिए 2 6 से डिवाइड हो जाएगा 6, और ये माइनस 37 प्लस 7 क्या हो जाएगा, ये माइनस 30, माइनस 30, ठीक है, माइनस 30 हो जाएगा। तो इसका देखिए क्या जाएगा आंसर, माइनस 180। देखिए इसका सब माइनस में आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द टर्म जो है नेगेटिव रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव रहेंगे। इसकी देखिए दो ही पॉजिटिव टर्म रहेंगे, देखिए एक तो ये प्लस सेवन आया है, तो प्लस सेवन से पहले प्लस थ्री आया होगा, उससे पहले सारी की सारी देखिए नेगेटिव में रही होंगी, सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव में रही होंगी। तो ये इतनी नेगेटिव वाली वैल्यू है, इसीलिए इसका सम करने पर माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक है। सिर्फ ये दो टर्म्स ही सिर्फ पॉजिटिव बची हैं यहाँ पे, तो समझ में आया नेगेटिव कैसे आया इसका आंसर। ये देखो ये सवाल हमारा, देखो इतना मुश्किल नहीं है जितना दिख रहा है, तो 100 टर्म्स तक का बताना है। जल्दी से बताओ डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म तो ये आगे 0.6, डिफरेंस क्या आएगा, 1.1, A2 माइनस A1 करते हैं हम, तो ये 1.7 माइनस 0.6, तो क्या आया, 1.1 आया, n की वैल्यू आई 100। तो फटाफट बताओ a 100 क्या आ जाएगा, a प्लस 99d हो जाएगा, ये a है हमारा 0.6, 99 मल्टीप्लाई बाय डी क्या है हमारा 1.1, तो बताओ क्या आएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1 क्या होगा, 108.9, श्योर, यस सर, 108.9 पक्का, मैं आपकी yes, बात मान लेता हूँ, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 110 आगे 109.5 वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो डायरेक्ट, 100 बाय 2, ए क्या है हमारा 0.6 प्लस 109.5, बस इसको फटाफट कर लीजिए, ये 50 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये 110.1। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा, ये 5,505। तो ये सवाल देखिए ऐसे करिए, बाकी के सवाल भी आप ऐसे करके देखिए, यहाँ पे देखिए क्या ये एपी है, दिया हुआ है तो एपी होगी, है ना, गद्दे रखा है तो एपी होगी, बट फिर भी शक हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं। तो डी जो होता है हमारा ए टू माइनस ए वन होता है, यानी 1/12 में से 1/15 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा,
दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 12 और 15 का? एलसीएम बोला बेटा, एलसीएम। अभी आप भूल जा रहे हो शॉर्टकट सीखने के चक्कर में ना, बेसिक नहीं भूलना हमें, एलसीएम बोला है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने मल्टीपल बताया है मेरे को, 180 मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला है मैंने। 60 आएगा, 12 5 का 60, 15 4 का 60 आ जाएगा, 1/60। तो जिस ये हमारा डी आ गया, सही आया ये, यस सर। एन है हमारा 11, चुपचाप 11 टर्म निकालो, 10 डी हो जाएगा ये। ए है हमारा 1/15, 10 डी क्या है हमारा 60, 1/60। तो ये देखिए हो जाएगा 1/15 प्लस 1/6। अब 15 और 6 का एलसीएम क्या होता है ये बताओ। 30। वेरी गुड, ये 30 हो जाएगा, 15 टू का 30, 6 5 का 30। तो क्या आएगा A11 क्या जाएगा, क्या आएगा A11? 7/30। 7/30 आ जाएगा ये, ठीक है। इतना सिंपल, कोई वो नहीं था। अब S11 आपको निकालना है, तो 11/2, ठीक है। और ये आ जाएगा A1/15, और ये हो जाएगा प्लस 7/, प्लस अभी एकदम से बना दिया, 7/30 हो जाएगा। तो ये देखिए 11/2 को कभी इसको डिवाइड करके 5.5 मत लिख देना, ठीक है। कभी ऐसे मत करने लग जाना, आपका सवाल बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा। इतना मल्टीप्लाई नहीं करना होता हमें, इसमें कट जाती हैं चीज़ें हमेशा। जब भी ऐसे अगर यहाँ पे ऑड नंबर आएगा तो ये वाली वैल्यू इवन नंबर आ जाती है हमेशा। तो ये गलती मत कर देना इसको डिवाइड करने की यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लोगे 15 और 30 का क्या आएगा, 30। 30 आता है, 2+7 हो जाएगा। 2+7 कितना होता है, 9/30 हो गए। हाँ बोलो सर, मेरी चाची का कॉल आ रहा है तो मैं लेफ्ट को। हाँ यू मिली, चलो ठीक है। तो ये देखो 3 3 9, 3 10 आए, तो क्या आएगा सम इसका, ये आ जाएगा सम। यस सर, ठीक है, कोई गलती है भाई, फ्रैक्शन का सवाल है तो सम भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात तो नहीं है। अगर कोई बुरा माने तो इसको आप ऐसे लिख के आ जाना, मिक्स फ्रैक्शन में लिख के आ जाना, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसको डेसिमल में मत करने लग जाना, अपना टाइम, कीमती टाइम जो है वेस्ट मत करना है इसका भी। अब देखिए यहाँ पे आपको चुपचाप सम निकालने के लिए बोल दिया, ये भी नहीं बोला कि ये एपी है कि नहीं है। अगर ये 3 नंबर का सवाल आएगा तो आपको पहले ये दिखाना पड़ेगा कि ये एपी है। तो क्या ये एपी है, डिफरेंस देखो, क्या ये एपी है, क्या ये एपी है? यस सर है। एपी होगा तो एक कॉमन डिफरेंस होगा, है ना, कॉमन डिफरेंस। तो पहले देखिए डी निकालिए क्या होता है, देखिए 10.5 - 7, तो क्या आएगा डी, क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, ठीक है, 3.5 आ जाएगा, ये डी आ गया। एक बार कंफर्म कर लेते हैं है कि नहीं है। तो 14 - 10.5 करेंगे तो क्या आएगा, 3.5 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो ये एपी है, दिस इज अ एपी। तो डी पता लग गया हमें, ए क्या है, व्हाट इज ए, फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है, और हमें यहाँ पे ए एन दे रखा है बच्चों, एन नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप फॉर्मूला देखते हो एस एन का, तो आपको एन भी पता होना चाहिए और ए प्लस लास्ट टर्म भी पता होनी चाहिए, दोनों पता होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ए एन दिया हुआ है मगर एन नहीं दे रखा, तो पहले एन निकालना पड़ेगा, तो एन निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन डी। देखिए तीनों चीज़ें दे रखी हैं, जब तीन चीज़ें दी होती हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। 84 आ जाएगा, ये ए है हमारा 7 और एन माइनस वन डी हो जाएगा 3.5।
84 माइनस 7 क्या होता है? क्या होगा? 77. ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस 1. ठीक है, इसको देखो, 3 1 अपॉन 2 को आप 7/2 भी लिख सकते हो. 3 2 6, 7/2. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला? ठीक है, दोनों साइड्स को आप 11 से डिवाइड करो. 7 11 77, 7 1 7. तो ये हो जाएगा 11 n/2 × 1/2. अब दोनों साइड्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा 22 n-1. n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23. n की वैल्यू आ जाएगी 23 आ जाएगी. ठीक है, तो अब आपको n भी पता लग गया और आपको a n भी पता है. आप चुपचाप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे 23. ठीक है, 23/2 पहली टर्म है, 7 लास्ट टर्म है, 84. चुपचाप ये फॉर्मूला लगा दो. 7 + 84 क्या आएगा? 91. तो क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन ऐड हो रहा है तो इसका आंसर भी फ्रैक्शन नहीं आएगा. तो आप क्या करिए, 91 को 23 से मल्टीप्लाई करिए. तो 91 3 27 2 80 क्या आ जाएगा ये? 2093. इसको 2 से डिवाइड करना है तो 2 से सबसे आसानी से डिवाइड हो सकता है 0465. तो ये आंसर सही है? Yes, सही है. अच्छी yes, बात है. क्या हो गया, कुछ गलती हुआ क्या? No, sir, सही है. ठीक है, तो ये देखिए पॉजिटिव है सारे के सारे नंबर्स, तो पॉजिटिव सम आएगा इसका. ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये लास्ट टर्म दी हुई है. तो आप सबसे पहले इसमें n फाइंड करोगे. n फाइंड कैसे करोगे? ए एन वाले फॉर्मूले से. ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आप n पता कर लोगे. जैसे ही आपको n पता लग जाएगा आप फिर Sn का फॉर्मूला लगा सकते हो. तो कोशिश करिए ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज़ करने की, आपके कई सवाल बहुत जल्दी होंगे. समझ में आ गई बात? तो ये वाला आपको खुद करना है, इसको मैं नहीं कराऊंगा. अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है. एक ए पी में फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, ए एन दे रखा है 50. ठीक है, कह रहा है n पर का पता लगाओ और Sn का पता लगाओ. तो जो पीछे वाला सवाल है वही है ये, और कुछ नहीं है ये. ठीक है, n का पता आप किससे लगाओगे, कैसे लगाओगे? इस वाले फॉर्मूले से, nth टर्म वाले फॉर्मूले से पता लगा लोगे. जैसे ही आपको an पता लग जाएगा आप, ठीक है सॉरी n पता लग जाएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके सम निकाल लोगे. बस सिंपल है. ठीक है, तो पहला सवाल आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, खुद करके देखिएगा. हर चीज़ मैं नहीं कराऊंगा. और सेकंड सवाल देखिए, सेकंड सवाल क्या कह रहा है. आपको दिया हुआ है ए, जो दिया हुआ है 7 है, ए 13 दिया हुआ है 35. यहाँ पे एन हमें पता चला हुआ है, देखिए इससे पता लगे एन जो है हमारा 13 है, ए 13 ये है. कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता. अच्छा जी, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता. अच्छा ये बताओ, बिना कॉमन डिफरेंस पता लगाए क्या आप एस 13 निकाल सकते हो? बिना कॉमन डिफरेंस निकाल ले, देखो एस 13 आप बिना कॉमन डिफरेंस निकाले भी पता लगा सकते हो. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, सॉरी. ठीक है, एस 13 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से. तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी चीज़ों को स्पीड अप कर देता है. ठीक है, ए एन वाला आपको हर चीज़ पता है. देखिए n भी पता है, n क्या है 13 है, a क्या है 7 है, ए एन क्या है a 13 है 35. तो ये देखिए हो जाएगा 13/2 और 7 + 35 कितना होगा? 42. ठीक है, 42 2 से डिवाइड हो जाएगा 21 आ जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 13 × 21 क्या आएगा बताइए? 260 क्या आएगा इसका आंसर? 273 आ जाएगा डायरेक्ट इसका. ठीक है, तो ये देखिए डी निकालें. डी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, फिर से आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, nth टर्म वाला बेसिक फॉर्मूला. आपको हर वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है n, आपको दे रखा है 13 है, आपको बस डी का पता लगाना है. तो 35 - 7 हो जाएगा 28,
और ये 13 माइनस 1 12, तो कुछ कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 13 ही नहीं, 35, ए जो है 7, 35 माइनस 7 28, 12 डी, अच्छा हाँ तो डी क्या जाएगा, 28 अपॉन 12 बाई 3, ठीक है 7 बाई 3, दोनों 4 से देखो डिवाइड जाते हैं, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, तो ये 7 बाई 3 आ जाएगा। तो ऐसे इसको करिए, देखिए बहुत आसान सवाल है, और कोशिश करिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने की, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे सम के लिए, n अपॉन 2 इनटू ए प्लस ए प्लस एन, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने की ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। अब देखिए इन सब सवालों में वही चीज़ें, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग होगी और आपको दूसरी चीज़ पता लगानी है, ठीक है। तो मैं ये वाला तो छोड़ रहा हूँ, आपको फोर्थ वाला कराता हूँ, ठीक है फोर्थ वाला कराते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है A3 जो कि 15 है, थर्ड टर्म दे रखी है, S10 कितना दिया हुआ है, सम ऑफ 10 टर्म्स दिया हुआ है 125। आपको D का पता लगाना है, कॉमन डिफरेंस का, और A10 का पता लगाना है, A10, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है ना, फर्स्ट टर्म पता है क्या, फर्स्ट टर्म नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए S10 का फॉर्मूला यूज करेंगे, S10 का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए S10 इक्वल्स टू 10/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, ठीक है। लास्ट टर्म भी नहीं पता हमें, फर्स्ट टर्म भी नहीं पता हमें, बट S10 हमें ज़रूर पता है। S10 क्या है, 125, और ये देखिए 5 आ जाएगा, 5 a प्लस ए एन, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम। तो क्या आएगा बताइए, a प्लस ए एन क्या आ जाएगा, सॉरी ए एन नहीं A10, सॉरी A10 है, एन की वैल्यू 10 ले रहे हैं ना, ए प्लस ए टेन क्या जाएगा 125 डिवाइड बाई 5, तो ये ए प्लस ए टेन जो है वो आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक कंडीशन और दे रखी है, ए थ्री जो है वो क्या दिया हुआ है, 15, ए प्लस 2D जो है आपको 15 आ गया, ये यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपको क्या पता लगता है, देखिए A10 क्या होता है, A प्लस 9D ही होगा ना, ये है ना, A10 क्या होता है बच्चों, A प्लस 9D होता है A10, तो ये 2A प्लस 9D को 25 हो जाएगी, ये आपकी दो लीनियर इक्वेशन आ गई, राइट, ठीक है दो लीनियर इक्वेशन आ गई। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, इसके ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 15। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एलिमिनेशन मेथड, सबका माइनस में साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस 2D माइनस 2D कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, ए, ए और राइट हैंड साइड 25 माइनस 15 हो जाएगा, ये ए की वैल्यू क्या जाएगी 10, ए की वैल्यू 10 आ गई, आप किसी में भी पुट कर दो इसको, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, ए की वैल्यू 10 आ गई, तो इस वाले में पुट कर देते हैं, 2A प्लस 2D इक्वल्स टू 25, रुक जाओ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी भाई, 2A 2D नहीं था, ये यहाँ पे इसको मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये 2A प्लस क्या आएगा 9D आएगा, 2A 9D, और ये आ जाएगा ए प्लस 2D इक्वल्स टू 15। तो सेम करने के लिए आपको सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो सेकंड इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा ये बताइए, 2 से मल्टीप्लाई 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30, तो 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30। अब देखिए ये सेम हो चुके हैं, तो साइन चेंज कर देते हैं सबका, तो ये 2A कैंसिल, ये हो जाएगा 5D, क्या आंसर आएगा 5D, और ये क्या आ जाएगा -5, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, -1,
सही है कि गलत है भाई ये बताओ। सही है सही है सही है सर। यहाँ पे देखिए ए और ए नाइन फाइंड करने के लिए कह रहा है, डी दे रखा है फिफ्थ वाले में जिसमें एस की वैल्यू दे रखी होगी, वो थोड़ा सा आपको ट्रिकी पड़ेगा तो उसको ध्यान से करना। तो एस एन दे नाइन दे रखा है आपको 75 और डी दे रखा है आपको 5। ए नाइन कह रहा है, ए नाइन का पता लगाओ और ए का पता लगाओ चुपचाप। एस नाइन का एन बी गिवन है, वेरी गुड। एन यहाँ से हमें 9 दे रखा है, ठीक है। एन जो है 9 दे रखा है, चुपचाप एस 9 का फॉर्मूला लगा दो, 9/2 ए प्लस ए 9, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला स्टेप समझ में आया? यस सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए 9, ठीक है। ए नाइन हो गया, इसको लिख देंगे ए प्लस ए 9 इक्वल्स टू 75 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 2। ये स्टेप समझ में आया क्या किया मैंने? 9 बाई 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ए प्लस ए 9 हो गया, तो ये ए 9 को मैं लिख दूंगा ए प्लस 8D, ठीक है। तो ये देखिए 75 और 9 डिवाइड हो रहे हैं ना किसी चीज़ से, 325 75 33 9, तो ये 50/3 हो जाएगा। तो D की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, ये 2A हो जाएगा और D की वैल्यू हमें 5 दे रखी है 50/3, तो 50/3 माइनस 40 क्या आएगा? ये 50 माइनस 15, 2A की वैल्यू आ जाएगी माइनस, आप एलसीएम ले लोगे तो देखिए क्या आएगा, 3 माइनस 70 क्या आएगा, माइनस 70 70/3 A की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 70/3, क्या है सही आंसर आ रहा है? ये सही आ रहा है क्या है, कुछ गलती लग रही है यहाँ पे? ए नाइन निकालना है, एस 9 दे रखा है, डी की वैल्यू 5 है, एस एन जो है 75 है, नीचे चला गया 3 9 325 75 25 50/3, 2A डी की वैल्यू 5 है, ये 40 हो जाएगा माइनस 40, ये जाएगा 120 50 70 माइनस 70। ए की वैल्यू ठीक है ये माइनस 30/5/3, यस सर, कोई गलती तो नहीं करी ना? तो और क्या निकालने के लिए बोला है इसने, ए नाइन निकालने के लिए बोला है इसने, तो बस आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। यहाँ से देखो आपको क्या मिला था, किसी में भी पुट कर दो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कर दो किसी में भी कर दो। तो यहाँ से देखिए मिला था हमें ए प्लस ए 9 जो है वो है 75 मल्टीप्लाई बाई 2/9, या फिर आप इसको लिख सकते हो 50/3 50/3। आपको ए मिला है माइनस 35/3, तो फटाफट बताओ भाई ए 9 क्या आएगा? ए 9 क्या आएगा? 85/3। चेक कर लेना भाई कि सही आंसर है कि गलत है। सही है, सही है सर, सही है, यस सर। अच्छा जी, तो भाई स्पीड अप करने के लिए ऐसे ऐसे चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसको 3 पेज का लिखोगे ना कोई खुश नहीं होगा उसको देख के, ठीक है। इसको स्मार्टली करना है इसको पेपर में, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, जो चेकिंग करने वाला है उसका भी टाइम वेस्ट ना हो। सेवेंथ वाला सवाल देखिए, ए दे रखा है आपको 8,
ए एन दे रखा है आपको 62, यहाँ पे एन जो है छुपा रखा है इन्होंने, ठीक है, एन छुपा रखा है, एन पता लगाना है और डी पता लगाना है, ये दोनों इन्होंने छुपा रखे हैं इनको। अच्छा जी, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अब आप बताओ। एन बाय टू इंटू ए प्लस एन, एन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस एन, एन नहीं दे रखा बाकी सब कुछ दे रखा है, एस एन की वैल्यू 210 है, एन हमें नहीं पता, ए क्या दे रखा है 8 और ए एन क्या दे रखा है 62, सारी चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास, तो ये 210 हो जाएगा, ये एन बाई टू हो जाएगा, बॉर्ड मास का रूल लगेगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो क्या आएगा 70 आएगा। अब आप क्या करिए, दोनों साइड्स को 70 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 70, तो क्या आएगा देखिए, 70 से 70 कैंसिल हो गए और ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, ये 3 इक्वल्स टू एन बाई टू, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, एन की वैल्यू आ गई 6, एन निकालना था और डी का पता लगाना था, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम, 1, 2 और ये तीसरी वैल्यू पता लगी, हमें तीन वैल्यू पता होनी चाहिए सवाल निकालने के लिए, तो ये ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, ए एन हमें 62 दिया हुआ है, ए हमें 8 दे रखा है, एन हमने कितना निकाला 6, ये 6 माइनस वन हो जाएगा, डी हमें नहीं पता, तो 62 माइनस 8 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 54, डी क्या आएगा 6 ही आया ना, 54 अपॉन 5, ठीक है, दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये डी की वैल्यू हो जाएगी 54 अपॉन 5, तो क्या आंसर आएगा, ये क्या आंसर आएगा, सही है कि गलत है ये बता दो भाई एक बार, गलत है तो गलती, गलती है तो देख, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सवाल दे रखे थे ऐसे ही, तो तीन चीज़ें हमें पता है यहाँ पे, ए एन, ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइन्थ वाला देखिए, ए पता है, एन पता है और ये एस एन दे रखा है, ठीक है, 192 यानी एस 8 192 दे रखा है, डी का पता लगाना है, तो हमें एंथ टर्म नहीं पता अभी, ए एन नहीं पता यानी ए 8 नहीं पता, तो ए 8 क्या आएगा जल्दी बताओ, हमें डी भी नहीं पता यहाँ पे, डी को डी रख देंगे, ये ए 8 आ गया आपका, ठीक है, ये ए 8 आ गया, अब आप चुपचाप इसको एस 8 के फॉर्मूले में लग दो, इसको 8 बाई 2 हो जाएगा, ये ए प्लस ए 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 8 बाई 2 क्या हो जाएगा 4, एस 8 आपको दिया हुआ है 192 और ए दिया हुआ है 3, ए 8 आपको दिया हुआ है 3 प्लस 7d, तो ये देखिए ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 6 प्लस 7d हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, कैसे सॉल्व करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, हमें मल्टीप्लाई नहीं करके, मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो वो नहीं करना हमें, तो क्या आएगा 192 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 48 आ जाएगा, ये 6 प्लस 7 हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन आ गई देखिए प्यारी सी, तो ये सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, ये जब भी मैं पूछूं तो आप नेक्स्ट स्टेप बताया करो, मेरे को आंसर नहीं जानना होता, जब मैं पूछूं कि आंसर सही है तब आप देख के बताओ आंसर सही है कि नहीं, डायरेक्ट आंसर बता देते हो फिर सही नहीं होता,
देखिए यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है, एल जो होती है लास्ट टर्म होती है, यानी nth टर्म जो आप मान लो उसको, ये ए एन है या यहाँ पे आपको एस एन दे रखा है, ठीक है। तो ए एन आपको 28 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो कितनी टर्म्स होंगी भाई, एन क्या होगा यहाँ पे, 9 दे रखा है, यानी ए 9 दे रखा है आपको, ए 9 जो है 28 है, एस 9 क्या है 144 है। अब आपको कह रहा है ए का पता लगाओ आप, तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो सकता है, देखिए ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाएगा, एस एन क्या है आपका, एस 9 9 बाई 2, ए आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है क्या, मैंने ए ही तो निकालना है, तो ए 9 दे, ए आपको 9 दे रखा है, बस इसमें पुट कर देंगे, एस 9 है 144, 9 बाई 2 को डिवाइड मत कर देना गलती से भी, 4 पॉइंट लिख दोगे 4.5 तो आपका टाइम वेस्ट हो जाना है, तो ए 9 आपको दिया हुआ है 28। बताइए नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, इसका नेक्स्ट स्टेप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। फिर राइट साइड के 2 कैंसिल हो जाएगी, वेरी गुड। फिर क्या करेंगे, ठीक है, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 288 हो जाएगा, तो ये 9 ए प्लस 28 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम दोनों साइड्स को 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से 9 कैंसिल, ये देखिए 9 से डिवाइड, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 32 इक्वल्स टू ए प्लस 28 आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये ऐसे करने हैं आपको सवाल, प्रैक्टिस खूब सारी करनी है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। तो हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए पी, ये है जो सम देगी, यहाँ पे आपको ए दे रखा है, देखिए ए 9 दे रखा है, डी डिफरेंस कितना दे रखा है, प्लस का 8 दे रखा है, राइट। और आपको एस एन दे रखा है, कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स, यहाँ पे आपको एन गायब किया हुआ है इसने, एन ही पूछ रहा है, एन ही मिसिंग है यहाँ पे, एन मिसिंग है, और यहाँ पे बट आपको एस एन दे रखा है इसने, 3636, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे अब आपका क्वाड्रेटिक का कुछ कुछ आएगा, देखिए अब देखिए आपको यहाँ पे ये अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 2a n माइनस 1d वाला, ठीक है, n मिसिंग है मगर आपको a दे रखा है, d दे रखा है और sn दे रखा है, तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, ये हो जाएगा sn की वैल्यू 636 दे रखी है, n हमको नहीं पता, 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, n माइनस 1d दिया हुआ है प्लस 8, तो ये देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं 636 n बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं बच्चों, ध्यान दो इसको, ये जो टर्म है पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, दोनों की दोनों इवन है कि नहीं है, दोनों टर्म्स इवन है, सभी बच्चे ध्यान दो, इवन है कि नहीं है। तो अगर आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दोगे, ये 2 जो है इसको कैंसिल कर देगा, साफ साफ दिखाता हूँ आपको, ये 2 जो है देखिए इस 2 को कैंसिल कर देगा और इसको कैंसिल कर देगा, या 4 आ जाएगा। तो ये देखिए आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, ये हो जाएगा n, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ, 9 प्लस 4 इंटू एन माइनस 1, 4n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको आप ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज हैं इनको सॉल्व कर लीजिए, 9 प्लस 4n-4, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बताओ, 5 प्लस 4n, ठीक है, 636। अच्छा राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बताइए क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड, 5n प्लस 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर, ये n जो है जब ब्रैकेट हटेगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, और एक बार 4n से मल्टीप्लाई होगा, ये 636 के बराबर, 4n स्क्वायर इक्वल 36,
ठीक है, तो ये देखिए 4n² + 5n, 636 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, -636 = 0, ये कैसी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही ये सॉल्व होगा। अब चाहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करो या फैक्टर करके करो, ये आपके ऊपर है। तो किससे करना पसंद करेंगे इसको? फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से करना पसंद करेंगे। तो करते हैं, तो हमें 4 × 36 का फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे आप बताओ, कैसे करोगे इसको, कैसे करो? बताओ, अरे मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, देखिए मैं इसको 366 × 4 ही लिखूंगा। ठीक, तो यहाँ पे 4 से ही कर दिया इसको मैंने, तो 636 आ जाएगा ये। फिर इसको फैक्टराइज करना शुरू करूँगा मैं, 3 × 2 = 1 × 2, सही कर रहा हूँ ये 2 0, ठीक है 2 5 3, और 53 किसी से डिवाइड होता है क्या? 53 किसी से डिवाइड होता है? तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 36, वेरी गुड, 48 आएगा। ठीक है, पर क्या हम 48 और 53 को ऐसे लिख सकते हैं कि 5 आ जाए प्लस का? Yes, sir. लिख सकते हैं। तो ये देखिए 4n² + 5 को मैंने क्या लिख दिया, 53 − 48, लिख सकते हैं इसको n = 636 = 0। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ, जल्दी बताओ बच्चों क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? इसको देखो मैं ऐसे करना पसंद करूंगा, 4n² ये हो जाएगा −48, ठीक है 48 − 53 − 636। ये स्टेप किसी, सबको समझ में आया कि किसी को कोई दिक्कत आ रही है इस स्टेप? मैंने यहाँ से यहाँ पे कैसे लिख दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. अरे मैंने माइनस कॉमन आउट बाहर निकाल लिया, ये प्लस का था, ठीक है मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया, तो माइनस वाली चीज़ प्लस में हो जाएगी, प्लस वाली माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, n² हो जाएगा, ये हो जाएगा 48/4, ये हो जाएगा 53/4, ये n हो जाएगा 636/4 को ऐसे ही रहने दो, कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, सॉरी इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, तो बताओ अल्फा बीटा की क्या वैल्यू आएगी? अल्फा इज इक्वल टू 48/4 और बीटा की वैल्यू क्या आएगी? −53/4 −53/4। तो अल्फा क्या आएगा इसको सॉल्व करोगे तो? 24 आएगा। क्या आएगा? 12 और ये देखिए माइनस में कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एन की वैल्यू आएगी, तो एन की वैल्यू 12 हो सकती है, मगर नेगेटिव में हो सकती है कि एन की वैल्यू कभी? नो सर, है ना, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, कुछ करना ही नहीं इसको, आप चुपचाप रिजेक्ट कर देना। तो यहाँ से आपको मिली n की वैल्यू क्या मिली, 12। आपका आंसर पीछे देखो क्या आ रहा है, अगर आप ब्रैकेट लगा के जो आप ऐसे करते हो, जो यूजुअल तरीका है वो थोड़ा लंबा पड़ता है, आप इसको इस फॉर्मेट में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर सजा सजाया मिल जाएगा बीच में, ठीक है। तो ये मेथड कोशिश करना, और बाकी के सवाल हम आगे करेंगे, तो कई बच्चे छोड़ के जा चुके हैं, तो ठीक है, अब आप लोग भी जा सकते हैं, बाकी लोग भी। सर अटेंडेंस, अटेंडेंस मैंने ले ली बेटा बीच में।